हो गया है बड़ा ऐलान, गुजरात को जिसने बनाया चैंपियन वो हार्दिक बनेंगे अब भारत के कप्तान। आईपीएल 2022 में हार्दिक ने अपने कप्तानी का जलवा दिखा दिया है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस चैंपियन बनी है। फाइनल मुकाबले में गुजरात ने बड़ी आसानी से राजस्थान को हरा दिया। आईपीएल 2022 की जब शुरुआत हुई थी तो किसी ने भी नहीं माना था कि हार्दिक पांड्या इतने बेहतरीन कप्तान साबित होंगे। हार्दिक की गुजरात को हर कोई कमजोर मान रहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या तो अलग ही मूड में थे। उन्होंने बताया कि कप्तानी करने का अंदाज क्या होता है। हार्दिक ने बताया कि भले ही वो कप्तानी में बड़े सूरमा ना हो, लेकिन उनको हर खिलाड़ी का बेस्ट निकलवाना आता है। और उन्होंने आईपीएल चैंपियन बनकर बताया कि टीम इंडिया की कप्तान बनने की रेस में वो भी शामिल है। हार्दिक को आते हैं कप्तानी के गुर। आईपीएल 2022 में जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने कप्तानी की है, उसका हर कोई मुरीद हो गया है। हार्दिक को भले ही भारत की कप्तानी की रेस में कोई ना गिनता हो, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बता दिया कि उनको कप्तानी के सभी गुर आते हैं। हार्दिक पांड्या एक बेहद ही शांत कप्तान के रूप में माने गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल 2022 में कप्तानी की, हर कोई उनका फैन हो गया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हुए गुजरात के खिलाड़ियों का बेस्ट प्रदर्शन निकलवाना जानते हैं। हार्दिक पांड्या मैदान के अंदर और मैदान के बाहर दोनों समय खिलाड़ियों के साथ बेहद ही शांत और बेहतरीन स्वभाव रखते हैं। हार्दिक पांड्या मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह मस्ती करते हैं, और जब बात प्रदर्शन की आती है उस समय वो सीरियस होकर टीम के खिलाड़ियों का साथ भी बताते हैं। हार्दिक पांड्या की कप्तानी की तारीफ गुजरात का हर कोई खिलाड़ी कर रहा है। राशिद खान, डेविड मिलर से लेकर हर कोई हार्दिक पांड्या की कप्तानी का मुरीद हो गया है। जिम्मेदारी मिलते ही बनते हैं खतरनाक। यूएई 2021 में हुए वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या ने भले ही बैट और बॉल से अच्छा प्रदर्शन ना किया हो, लेकिन उसके बाद जब वो मैदान से काफी समय तक दूर रहे और फिर उन्होंने मैदान पर वापसी की तो वो अलग ही रूप में नजर आए। हार्दिक पांड्या को इस बार मुंबई इंडियंस में नहीं खेलने का मौका मिला। वे खिलाड़ी के तौर पर नहीं, अभी कप्तान के तौर पर गुजरात टाइटंस का हिस्सा थे, और ऐसे में उन्होंने जिम्मेदारी दोनों हाथों से लप की और उन्होंने अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया। कप्तानी की जिम्मेदारी मिलते ही हार्दिक पांड्या और मैच्योर हो गए। हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी को या गेंदबाजी दोनों जगह जिम्मेदारी उठाई और टीम का साथ बखूबी ढंग से निभाया। हार्दिक पांड्या ने मौका मिलने पर नंबर 3 और नंबर 4 पर भी बल्लेबाजी की। इसके साथ ही वो पावर प्ले तक में गेंदबाजी करते हुए देखे गए। इसके अलावा फाइनल मुकाबले में जब जॉस बटलर को कोई आउट नहीं कर पा रहा था, उस समय हार्दिक पांड्या ने जिम्मेदारी उठाई और राजस्थान रॉयल्स के सबसे घातक खिलाड़ी जॉस बटलर को आउट कर दिया। रोहित की जगह हार्दिक बने अब कप्तान। रोहित शर्मा इस समय टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट के कप्तान है। पहले उन्हें T20 टीम की कप्तानी मिली थी, उसके बाद वनडे टीम की, और बाद में वो टेस्ट टीम के कप्तान भी बन गए। ऐसे में रोहित शर्मा के ऊपर अब जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। वो 4 जगह कप्तानी करते हैं, इसमें 3 जगह भारत के तीन फॉर्मेट और दूसरा आईपीएल है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं। ऐसे में अब उम्मीद है कि रोहित शर्मा पर आगे चलकर कप्तानी का बोझ थोड़ा कम किया जाएगा, क्योंकि वो लगातार कप्तानी करते हुए थक सकते हैं और इससे उनके प्रदर्शन पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस साल तो चलो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कप्तानी कर ले, लेकिन भविष्य में छोटे फॉर्मेट के लिए हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के बेहतरीन कप्तान साबित हो सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने बताया कि वो शॉर्टर फॉर्मेट में कितने खतरनाक ऑलराउंडर है। साथ ही उन्होंने कप्तानी के गुर से दिखाया कि उनसे बेहतर रेस में अभी कोई खिलाड़ी नहीं है। भले ही ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा ने आईपीएल में कप्तानी की हो, लेकिन हार्दिक पांड्या उन सभी से बेस्ट है। केएल राहुल भी इस मामले में हार्दिक पांड्या के सामने पिछड़ गए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का भविष्य में कप्तान बना देना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।